गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी आप बेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको आर्म रेसलिंग में भी हेल्प करेंगे। बाइसेप का आपको पता ही है कितना बड़ा नॉलेज है, आपको बैक प्रेशर बिल्ड करना हो या ओपोनेंट के हैंड पे कंट्रोल चाहिए, पुलिंग अच्छी लानी है, सब में बाइसेप का रोल है। तो स्पेसिफिकली बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। तो बेसिक एक्सरसाइज है, सिर्फ डंबल चाहिए हमें, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। बेंच लेंगे और सो बेंच को बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे, ठीक है। कोई एंगल नहीं रहेगा, एकदम 90 डिग्री पे स्ट्रेट बेंच है। ऐसे करके हमने डंबल को रखा, एक फुट हमारा आगे रहेगा बॉडी को बैलेंस करने के लिए। वेस्ट बेंड रखेंगे, और हमें करना क्या है, बिल्कुल डंबल को बॉडी के क्लोज रखना है, शोल्डर के क्लोज रखना है। जैसे आप समझ लो आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका ये स्टांस होता है, यहाँ हमने पकड़ा हुआ। तो सेम हम मूवमेंट नॉर्मल भी करेंगे और हैमर में भी करेंगे। मूवमेंट क्या है, हाफ नीचे लेके जाना है, हाफ ऊपर, पार्शल। दो सेट आप नॉर्मल लगाओगे, दो सेट आप हैमर में लगाओगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में हम सेकंड चीज क्या करने वाले हैं, सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी सेम बेंच सेम डंबल, लेकिन चेंज क्या है, अगेन हम इसी पोजिशन में रखेंगे, एल्बो बॉडी क्लोज रहेगी, डंबल शोल्डर के क्लोज रहेगा। अब हमें बॉडी को थोड़ा नीचे लेके जाना और ऊपर लेके जाना, पूरी मूवमेंट रहेगी, डायनेमिक एक्सरसाइज है, लेकिन हमारा ये एंगल नहीं खुलेगा। सेम चीज हैमर में करेंगे, हमारी एक्चुअल पोजीशन रहती है, पूरा नीचे जाएंगे, अगेन पूरा ऊपर आएंगे, लेकिन ये शोल्डर भी क्लोज रहेगा, ये नहीं खुलेगा। इससे हमारा बैक प्रेशर बिल्ड होगा, जो हमें कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए भाई सब की, वो पूरी जनरेट होगी इस एक्सरसाइज। इजिली आपका हाथ खुलेगा ही नहीं, जब सामने वाला चाहे टॉप रोल मारे या हुक में ले जाना चाहेगा, आप उसको यहीं से कंटेन कर लोगे, कंटेनमेंट की पावर लेके आएगा। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सेम बेंच पे अगेन डबल किया, अब सेम एक्सरसाइज, हमारे लेफ्ट फुट आगे रहेगा स्टेबिलिटी के लिए, रेस्ट को बैंड रखा, डंबल को शोल्डर के क्लोज रखा, बिल्कुल लॉक करके रखा। अब देखने वाली चीज़ क्या है, हमें बॉडी को ऐसे ही रखना, बॉडी को क्लोज रखना, ये वाला शोल्डर भी क्लोज रहेगा, पूरा कॉम्पैक्ट रखना है बॉडी को, एल्बो को बॉडी के नजदीक लेके आए, और अगेन सेम चीज हैमर में रखा। अब इसके अंदर आपको जब ये पूरे डायनामिक मूवमेंट कर रहे हो तो सेंटर में आपको एक पोजीशन चूज करनी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोड आ रहा है, मेरे यहाँ पे भाई सब पे सबसे ज्यादा लोड है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक होल्ड में रखूंगा 5 सेकंड 10 सेकंड। पूरा ये जो आपका टेंडन है ये वाला इतना ज्यादा वर्क करेगा इस एक्सरसाइज में, आप करके देखो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जो कंटेनमेंट चाहिए, जो हमें पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो इससे बिल्ड होगा। तो गाइस जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डंबल से, वो क्या करना है, हमें डंबल को अंदर से पकड़ना है, बिल्कुल हेड से पकड़ना, एल्बो जो है वो पेट पे रखनी है, पेट के एकदम सेंटर में, ठीक है। अगेन जितना क्लोज शोल्डर के ला सकते हो उसको शोल्डर के क्लोज लेके आना, फर्स्ट को पूरा नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, ये एंगल नहीं खुले। और इसके साथ हम थोड़ा सा प्रोनेशन ऐड करते हैं, सेम चीज देखिए, नीचे गए और ऊपर लाते ऊपर लाते हुए प्रोनेशन कर। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका बैक प्रेशर बिल्ड होगा, स्कैंडन पे लोड आएगा, दूसरा बाइसेप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाइसेप पर कॉन्स्टेंट टेंशन है बाइसेप, क्योंकि जब हम टेबल पे अप्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें अलग अलग एंगल से मसल पे टेंशन मिलती है। नॉर्मल जिम के वर्कआउट की तरह नहीं होता कि टेंशन मिली फिर हमने रेस्ट ले लिया, कॉन्टिन्यूस हमारा मसल टेंशन में होता है, टेंडन पे लोड आ रहा होता है। तो सेम जब हम डायनामिकली उसको मूव कर रहे हैं, साथ में प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट काइंड ऑफ उस पर वो लोड आएगा। और प्रोनेशन से आपका ब्रैकोरेडियलिस भी काम कर रहा है, तो फोरआर्म भी स्ट्रांग हो रहे हैं साथ साथ। ये थी हमारी 4 एक्सरसाइज। अब जो हमारी 5th एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अजीब है, आप नॉर्मल जिम में करोगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे या कुछ हंस भी सकते हैं, बट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी वियर्ड एक्सरसाइज है, बट बहुत इफेक्टिव है आपके रिस्ट के लिए भी, आपके बाइसेप्स के लिए, बैक प्रेशर के लिए। तो वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह है, अगेन सेम डंबल, जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ डंबल्स का वर्कआउट है। आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी हुई है उसमें आपने देखा होगा बारबल को नकल्स पे ग्रिप करता हूँ, तो सिर्फ थम्स से उसकी ग्रिप होती है, फिंगर्स पे होता है लोड, सेम डंबल पे लेंगे, डंबल को हमने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। यहाँ बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, अगर लोड ज़्यादा है बैठ के प्रेफर करो, कम है खड़े होके करो,
अगेन पार्शियल मूवमेंट कर दिया, सेंटर में लोड रहेगा और हमें पार्शल लग गए। जब पार्शल हो गए उसके बाद सेम चीज नीचे लेके जाएंगे, लेकिन मेन इसमें ये, इसमें हमारा जो लोड है वो रिस्ट पे भी है, हमें कॉन्स्टेंटली रिस्ट को राइजिंग में रखना पड़ रहा है। तो हमारे रिस्ट भी वर्क कर रही है, रेटेलिस पे भी आ रहा है, बाइसेप पे भी आ रहा है, और जब हम डायनामिकली कर रहे हैं पूरी ये चेन काम कर रहे हैं जो हमें एग्जैक्टली चाहिए थी।